जिनेंद्र जय भोलेनाथ। दोस्तों 9:36 हो गई रात की, नाइट 9:36 PM 26 मार्च 2021, और आज फ्राइडे है। और अभी हम एनालिसिस करेंगे मंगलवार के लिए, क्योंकि मंडे को छुट्टी है, सबको पता है होली की। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं इस चैनल के, उन सबको, उनके परिवार को मेरी तरफ से होली की एडवांस में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और सभी बड़ों को आपके परिवार में मेरी तरफ से पांव धोक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब आ जाते हैं वेबिनार की भी एक बार हल्की सी डिटेल्स दिखा देता हूँ, ताकि कोई भी आदमी ये नहीं बोल सके कि मिस हो गया। 17 और 18 अप्रैल को है, स्पेशल डे है मेरे लिए 17 अप्रैल। तो इसमें मैंने कुछ क्राइटेरिया रखे, जो भी लोग 31 मार्च तक फीस पे करेंगे उसको 7,000, जो आफ्टर 31 मार्च अप टू 10 अप्रैल तक करेंगे उनको 8,500, और उसके बाद करेंगे 10,000 रुपये। तो ये कोर्स का कंटेंट दिए नहीं जाते हैं, व्हाट्सअप करना है आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो इस व्हाट्सअप नंबर पे फॉर ज्वाइनिंग। और कोर्स के कंटेंट दिए नहीं जाते, ये जूम ऐप पे होता है, दोनों दिन का टाइमिंग रहता है, 4 बजे से रात को 10 बजे तक, लेकिन क्लास कभी कभी 12 बजे तक भी चलती है, मैं आपको बता सकता हूँ, 1 बजे तक भी चल जाती है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। तो वहाँ हम टाइम नहीं देखते कि उस समय जब क्लास की टाइमिंग एकदम कि नौकरी पे आया एकदम टाइम हो गया बंद कर दो, ऐसा नहीं, और कभी कभी एक दिन एक्सटेंड भी करते हैं, ऐसा नहीं। तो चलिए अब आ जाते हैं मार्केट पे, जो आज क्या हुआ क्या नहीं सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं टेक्निकली, और एक व्यू निकालने की कोशिश करते हैं अपना क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन रीडिंग करना चाहूँगा, स्क्रीन जो आज मैं 3:30 के बाद नहीं किया था। तो चलिए मैं बैंक निफ्टी का देखता हूँ। बैंक निफ्टी में लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखा रही है 33,720 रुपये, 720 राउंड फिगर बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आप देखो तो लास्ट ट्रेडेड जो प्राइस है वो ATP से भी ऊपर है, प्रीवियस क्लोज से भी ऊपर है, प्रीवियस क्लोज से भी ऊपर है, ATP इससे भी ऊपर है। तो ये क्लियर और काफ़ी ऊपर है, 100 ATP से भी 130 पॉइंट के करीब ऊपर है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बैंक निफ्टी जो मंगलवार को मार्केट खुलेगा 34,200 के लेवल तक आराम से जाएगा। आप लोग नोट कर सकते हो चाहो तो, 34,200 के लेवल तक बिल्कुल आराम से जाएगा मंगलवार को जो मार्केट खुलेगा। ये क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है स्क्रीन से, अभी मैंने टेक्निकल देखा भी नहीं। अब आया था निफ्टी का, निफ्टी में भी आप देखिए प्रीवियस क्लोज 435, हाँ लेकिन क्योंकि एक छुट्टी है बीच में मंडे की और वर्ल्ड मार्केट तो उस समय खुले रहेंगे, तो यहाँ कोई न्यूज़ ऐसी खतरनाक आ गई तो मैं कुछ भी नहीं बोलता, इसीलिए मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि आप अपने किसी भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से या फाइनेंशियल एडवाइस कंसल्ट करके ही काम करिए। तो निफ्टी में मुझे जो मैं स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहा है ATP 594 और कल की क्लोजिंग थी 435, तो इससे काफ़ी ऊपर 622 पे ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये भी अपने आप में दिखा रहा कि 800 तक जा सकता है, 750 से लेके 800 तक आपको मंगलवार को ये दिखाने की क्षमता रखता है। अब ये जो थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट लगी हुई उसमें से कौन सी स्क्रिप्ट मुझे धमाकेदार लग रही है जो मंगलवार को परफॉर्म करेगी, तो इसका कंटिन्यूशन रहेगा। HDFC लिमिटेड विल कंटिन्यू इट्स अपवर्ड जर्नी, डोंट नो चांस कि ये नीचे आएगा, मंगलवार को भी ये बढ़ेगा, आज का हीरो था ही, ये मैंने कल के वीडियो में बोला ही था। तो ये मंगलवार को भी 2600 तक जाएगा, ये 2600 तक जाएगा या उससे भी ऊपर जा सकता है। इस लिस्ट में एक और हीरो आ गया, एशियन पेंट, नज़र रखिएगा।
अब ये तेजी का घोड़ा बन गया है, इसको अब शॉर्ट करके बिल्कुल भी मत खेलिएगा, ठीक है। मैंने दो बता दिए, HDFC और एशियन पेंट, और कौन सा अच्छा काम करेगा? SBI ऑब्वियसली। मंडे को आपको 370 तक जाएगा ये, ट्यूसडे को सॉरी, 361.670 का ट्रेड हो रहा है, 370 तक दिखा देगा आपको। तो ये तीन मैंने आपको बताया मंडे के, ट्यूसडे के लिए सॉरी। अब आए थे चार्ट पे, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। पहले तो आज ओपनिंग हाई लो क्या हुआ वो बता देता हूँ। आज की ओपनिंग 506, आज का हाई 572, आज का लो 14414 और आज की क्लोजिंग 14507। यानी कि जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया, यानी कि डोजी बन गया। अब इस डोजी को कौन सा नाम देंगे हम? इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको क्या बोलते हैं? अपर विक थोड़ी सी है, लोअर विक बड़ी है, तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे। लॉन्ग लेग डोजी तब बोलते हैं जब ऊपर वाली वीक भी लगभग नीचे वाली वीक के बराबर होती, तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक डाउन ट्रेंड में बनता है, तो ट्रेंड रिवर्सल वाला भी काम करता है। तो जो मंगलवार को मेरे को लगता है ओपनिंग ही मार्केट की जो होगी ना वो 575 के ऊपर ही होगी, ओपनिंग भी 575 के ऊपर होगी, ऐसा मेरा मानना है। 507 पे आज क्लोज हुआ है स्पॉट में, तो मेरे को लगता है कि मंगलवार को ओपनिंग जो होगी वो 575 के ऊपर होगी ओपनिंग। तो यानी कि तेजी क्लियर कट बता रहा है, और मंगलवार को हम 800 तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। सॉरी सॉरी, ये कैश का फिगर है, वहाँ डिफरेंस फ्यूचर में 800 नहीं, हम लोग मंगलवार को 507 पे क्लोज हुआ है तो 660 को जरूर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। 660 तक जरूर जाएगा ये, देख लीजिएगा मंगलवार। चलिए, तो ये डोजी एक रिवर्सल का साइन होता है, डाउन ट्रेंड में बना है तो अब इसका लो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका लो था आज का 414, अगर ये ब्रीच होता तो कहीं ना कहीं निफ्टी में वीकनेस फिर गहरा जाएगी और निफ्टी को 14,000 की तरफ ले जाएगी, जो कि उसका अगला पड़ाव है क्योंकि 100 EM है। अब आज ये कुछ ख़राब बातें भी बता दो, क्योंकि यह आज तीसरा दिन है मार्केट ने अपने 50 EM के नीचे बंद किया, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, आज नीचे ज़रूर बंद किया लेकिन कल वाले क्लोज से काफ़ी ऊपर क्लोज किया, तो आज के नीचे वाले को आप पॉजिटिव लीजिए। तो एक्चुअल में देखा जाए तो दो ही क्लोजिंग क्योंकि ये फॉलो अप कैंडल बनी, यहाँ फॉलो अप नहीं बनी, यहाँ रिवर्सल का साइन दे रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि मैं वापस से अपने 50 EMA को रिगेन करूँगा जो कि 612 पे है। तो ये मुझे लगता है कि मंगलवार को 612 के ऊपर ही क्लोज करेगा, 660 तक तो जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये हो गया, अब इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं क्योंकि वीक ख़त्म हो गई आज फ्राइडे को, तो वीकली में कुछ दिखाई दे रहा था मैं देख के बताता हूँ। वीकली में एक सिंपल डोजी बना, सॉरी हैमर बना है डाउन ट्रेंड में, जो पिछले वीक भी बना था, इस वीक थोड़ा सा बल्कि अपर वीक है, बहुत अच्छा है, हैमर भी नहीं बना है। लेकिन गनीमत क्या है कि अभी भी ये सबसे बड़ा सपोर्ट है इसमें निफ्टी का, एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको बताता हूँ, 222। ये टूटा तो मार्केट खलास हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, कहीं पे भी लिख लीजिएगा उसको, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है 222। इस कैंडल का लो, ये कौन सी वीक है मैं बताता हूँ, कौन सी वीक का लो है, कौन से सप्ताह का लो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है 18 जनवरी वाली जो वीक थी ना, 18 जनवरी को जो वीक स्टार्ट हुई उस वीक का लो था 222। तो 220 आपके लिए एक बड़ा सपोर्ट है नीचे की तरफ, मार्केट ने ऑलरेडी 264 का लो बना दिया है इस वीक में,
तो ये वीकली बेसिस आपको सपोर्ट ध्यान रखना है, टारगेट तो ऊपर के खुले ही है सब, ठीक है। 220 आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए, 220। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी का पहले डेली चार्ट देख लेते हम लोग क्या दिखा रहा है आज का। ये कैंडल तो ऐसे कुछ कुछ बयान नहीं कर रही है, ओपनिंग ऊपर हुआ था लेकिन नीचे की तरफ भी क्लोज किया है, लेकिन बस एक ही चीज़ अच्छी है, कल की क्लोजिंग से 300 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं ये हैमर ने रिवर्सल ज़रूर दिखाया। आप देखो डेली में एक हैमर बना था बैंक निफ्टी में, तो अभी तक हैमर जिंदा है इसमें। ये देखिए ये यस्टरडे एक हैमर बनाया था, और हैमर का नियम है जब तक हैमर का लो नहीं टूटे हैमर इज अलाइव, अलाइव टू गिव रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल देने का काबिलियत रखता है हैमर। डाउन ट्रेंड में अगर बनता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, और इसमें नियम क्या है, इसके हाई के ऊपर जिस दिन क्लोज हो जाएगा उस दिन से समझ लीजिए ट्रेंड रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो इसका लो और हाई दोनों बता देता हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका लो पहले तो लिख लीजिए 32,415, आपके लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, 32,400 आपके लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। अगर 32,400 बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो बिल्कुल भी हट जाइए उससे, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। लेकिन अगर वो किसी भी कारण से 33,550 के ऊपर क्लोज करता, क्या बोल रहा हूँ मैं, 33,550 के ऊपर क्लोज करता, क्लोज आज की क्लोजिंग क्या आई 318, 550 के ऊपर जिस दिन क्लोज कर देगा उस दिन समझ लीजिए मार्केट अब नीचे आने के चांसेस 100 में से सिर्फ 10% ही बचे, बस। तो ज़्यादा दूर नहीं है 550, नज़दीक है, तो ये भी एक तेज़ी की तरफ ही दिख रहा है मुझे नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक मुझे लगता है जो लेवल्स आप आराम से हासिल हो जाएंगे वो लग रहा है मुझे 34,000 बैंक निफ्टी डेफिनेटली नेक्स्ट वीक क्रॉस करेगा। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो स्टॉक भी बता दिया आपके 2-3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स दे दीजिएगा दोस्त, बाकी मैं अपना काम करते रहूँगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।